मतलब जैसे आमिर खान ने अपने लाइफ में रंगने बसंती तक कॉलेज बॉय का कैरेक्टर प्ले किया है, तो आप बताइए आप कितनी उम्र तक आप जो है टिक पाए थे कॉलेज बॉय? आमिर खान ये चाहे थे उस समय थी 40 तो मैं ज्यादा ही नहीं हूँ, तो उससे ज्यादा मैं करना चाह रहा हूँ, उसमें भी रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा. पालकी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कौन है, बिकॉज दसो जितना भी ट्रूप है सब डांसिंग में एक्सपर्ट, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव भावना किसमें है जो मतलब एक दूसरे को डांस करके मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा? वैसे नहीं कोई नहीं है ऐसा कम्पिटेटिव नहीं है. आई थिंक थोड़ा बहुत अटेंशन के लिए कम्पिटेटिव है लोग. ये डांस उतनी मेहनत कौन करेगा, ये जनरेशन में इतनी मेहनत नहीं है. नो ऑनेस्टली उस तरीके की मेहनत नहीं है कि ये शट अप तू ये जनरेशन का नहीं है. हमें हमारा प्रोमो मिल चुका है. थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं आपको. ये वो टाइम है जब चैनल वी पर बड़े कमाल के शोज आ रहे थे, और एक ऐसा शो आया जो थोड़े टाइम नहीं चला जिसके 800 से ज्यादा एपिसोड्स एयर हुए, वो शो जो 4 साल चला और वो शो जो ना जाने कितनों ने देखा और डांस को अपना करियर बनाया. उस शो के क्रिएटर उस शो के एक्टर हमारे साथ बैठे हैं, तो पहले दोनों के लिए तालियां हो जाए. और ऑफकोर्स जिस नए शो के लिए आए हैं उसकी एक्टर भी हमारे साथ बैठी मेरी. मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मेरी जिम पार्टनर है, हमने साथ में वर्कआउट किया है. तो इसके बाद पुशअप का ऐसे वो होगा कंपटीशन. भाई ये इतनी ज्यादा फिट है ना, इतनी ज्यादा फिट है, इससे मैं कोई कंपटीशन नहीं कर सकता. ये तो है यार. एक नया शो आया है कैंपस बीच राइट टू यार अमेज़न मिनी पर. मैंने आज पहला एपिसोड देखा. अच्छा, पहले सीजन का पहला एपिसोड देखा. मैडम तो चाट चुकी है पूरा. यार मतलब बहुत टाइम बाद लोग वेट कर रहे थे, काफी चल रहा है कि अभी सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री, और एक थोड़ा ऐसा शो चाहिए था जिसको देखकर थोड़ा सा फील गुड फैक्टर आए, थोड़ा नॉस्टैल्जिया आए. तो थैंक यू सो मच ये शो लाने के लिए. थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, लेकिन ज्यादातर कुल मिला के वो फील गुड वाला शो ज्यादा है. तो क्या क्या फीडबैक मिल रहे हैं, अभी रिलीज हुए काफी टाइम हुआ, सीजन 2 भी तुरंत ही डाल दिया आप लोगों ने. हाँ. तो क्या क्या फीडबैक आ रहे हैं लोगों के बताइए. सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं. हाँ, बहुत पॉजिटिव है. आई मीन एज यू सेड कि सबको ये पसंद आ रहा है कि ज्यादा सोचना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. मतलब ब्रीजी शो है, आप आराम से वॉच कर सकते हो. एंड इट्स लाइक अ फैमिली वॉच ऑल्सो, लाइक आप देख सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं. तो उसमें एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग फैक्ट बिकॉज फैमिली के साथ देखने वाले शो बहुत कम है. कितनी बार नेटफ्लिक्स या अमेज़न में कोई शो भी देख रहे होते हैं एंड सडनली सम किसिंग सीन और दैट डीप सीन विल स्टार्ट एंड यू आर लाइक भाई आ गई, ओ माय गॉड, पॉज नहीं हो रहा, पॉज नहीं हो रहा. सो या दैट इज अ प्लस थिंग एंड ऑब्वियसली पीपल आर एंजॉयिंग. हर सीजन के बाद ये हो रहा है कि सीजन 1 हमने बिंज वॉच कर लिया है और उसके बाद हमने 3 बार देख लिया, अब आप सीजन 2 दीजिए. 2 दिया तो उसके बाद भी यही होगा कि हमने बिंज वॉच कर लिया, हमने 3 बार देख लिया, अब सीजन 3 दीजिए. सो इट्स लाइक एंड द बेस्ट फीडबैक आई थिंक वी हैव गॉट इज कि एक बार शुरू करते तो हम रोक नहीं पाते अपने आप को. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. बाकी आप लोग भी कुछ ऐड करो. नहीं, बहुत एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है बस. और कुछ लोगों ने बोला है मेरा कंफर्ट शो है, मतलब जैसे कि अगर फ्रेंड्स टाइप. हां एग्जैक्टली, कि जाके देख रहे हो तो आई एम फीलिंग एंड 10 लोग हैं और हर कोई 10 के अलग अलग लोगों से कनेक्ट कर पा रहा है. मतलब That's amazing. I think ki kind of thing. मतलब my reminds you kind of hippie पूरे also. Oh my god, yes. It is. हिप्पे पूरे के साथ आप अपना connection बताइए जरा मैडम. Oh my god, हिप्पे पूरे का connection था कि मैं assistant director हुआ करती थी और मेरी पूरी training वहीं से हुई है. So पूरे वो सारे बच्चे और उनके characters और हमारे director ने जो हमको हम भी बड़े हो रहे थे तो हमारी भी तो जो बजा के रखी हुई थी उस चक्कर में वही मेरी ट्रेनिंग रही है और वही मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ अब तक. सो यस इट डिड बजा के रखती हैं. शी इज अ टफ टास्कमास्टर, शी लुक्स वेरी चिल. नहीं, हमने सुना ही अफवाह है, तुम क्लियर करना तुम दोनों कि ये मतलब थोड़ा कई बार ये धारा प्रवाह बोल देती है चीजें. I think she's very passionate about what she does. So by default वो मतलब ऐसा रहता है कि वो जो भी धारा प्रवाह word use किया fluent हाँ हाँ वो fluency में इनके बहुत अच्छी चीजें निकलती हैं. काश इसके नीचे subtitles आए, असल में सोच रहे हैं काश वो चल पाते हैं. नहीं नहीं, but I mean अगर उनकी तरफ से अगर झाड़ भी आती है तो वो समझ में आता है कि हमने कुछ गलती की. आपके तो मेंटर काइंड ऑफ ही है, मतलब इन्होंने आपको लॉन्च किया, मतलब बड़ा होते हुए देखा है आपको, आपकी पूरी फ्रेंड बन गई है. तो अभी थोड़ा इजी है. हाँ, तो अभी थोड़ा इजी है, बट या आई मीन शी इज वेरी पैशनेट. तो ऐसा नहीं की टास्क मास्टर की ऐसे रुला देगी, ये नहीं, पोटेंशियल है उनमें. बट तुमने ज्यादातर रियलिटी शो किए,
डांसर के तौर पर तुमको हर कोई जानता है, अब एक्टर के तौर पर भी यू नो पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू, लोग अच्छे से तारीफ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. मैं कॉमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे कॉमेंट आ रहे हैं तुम्हारे बारे में. हाउ डज इट फील? इट फील्स अमेजिंग यार. मुझे अभी क्लास में किसी ने, मैंने अपना नाम श्रुति बोला इंट्रोड्यूस किया, कहते हैं नहीं आप नेत्रा, और वो मेरे लिए इतनी अच्छी फीलिंग थी. मैंने एक्चुअली किसी का इंटरव्यू देखा था और उसने बोला था एज एन एक्टर मुझे मेरे कैरेक्टर्स के लिए लोग जानते हैं, एज अ क्रिएटर मुझे मेरे लिए जानते हैं. तो दैट्स मेरे लिए हाँ उसकी फीलिंग प्राइड की फीलिंग है. और मैंने सोचा यार दैट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस थॉट. पर जब मुझे नेत्रा बुलाया तो मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई जब मुझे किसी ने श्रुति बुलाया. तो दैट फीलिंग फॉर मी. क्या बात है नेत्रा, क्या बात है नेत्रा, ऑन होस्ट. आपसे आपसे हम इनको नेत्रा ही बुलाएंगे. यस, कितनी नेत्रा जैसी दिखती है यार शांतनु. मतलब जैसे आमिर खान ने अपने लाइफ में रंगने बसंती तक कॉलेज बॉय का कैरेक्टर प्ले किया है, तो आप बताइए आप कितनी उम्र तक आप जो है टिक पाएंगे? आमिर खान ये चाहे थे उस समय थी 40 तो मैं तो उससे ज्यादा मैं करना चाह रहा हूँ, उसने भी रिकॉर्ड ब्रेक करूँ मैं. पालकी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कौन है, बिकॉज दसो जितना भी ट्रूप है सब डांसिंग में एक्सपर्ट, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव भावना किस में है, जो मतलब कोई नहीं है ऐसा कॉम्पिटिटिव नहीं है. आई थिंक थोड़ा बहुत अटेंशन के लिए कॉम्पिटिटिव है लोग. ये डांस उतनी मेहनत कौन करेगा, ये जनरेशन में इतनी मेहनत नहीं है. तो ऑनेस्टली उस तरीके की मेहनत नहीं है कि ये तो ये जनरेशन का नहीं है. हमें हमारा प्रोमो मिल चुका है, बहुत अच्छा बोले थे आप. नो बट सीरियसली उतनी मेहनत नहीं होती, तो उतनी मेहनत नहीं होती तो मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगी नहीं है. इट इज अ लिटिल मोर अबाउट अटेंशन कि उसको इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है, मुझे थोड़ी सी अटेंशन. स्क्रीन टाइम किसका ज्यादा है? नहीं वो नहीं हुआ है. आई थिंक देयर गुड बंच ऑफ किड्स. उसमें थैंक गॉड ये वाला शो बच गया. सारे पुराने तो शोज में तो ये स्क्रीन टाइम झगड़े और फैंडम और फिर शांतनु की कास्टिंग हम समझ सकते हैं क्यों हुई होगी. देखो पता मैंने इसको कास्ट नहीं किया है. हाँ नहीं सही में आई स्वेयर यहाँ पे बेफालतू का नेपोटिज्म तुम्हारे साथ तुम तो नेपोटिज्म की आई स्वेयर ऑन गॉड मैंने इसको, बिकॉज मुझे लेजेंड नहीं लगा था कि गंगूबाई करने के बाद यू नो एक छोटे स्क्रीन में एक कैरेक्टर करेगा. एंसेंबल शो है और इसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, नेता का पॉइंट ऑफ व्यू है शो का. सो इट वाज इम्पॉसिबल. मुझे लगा इसकी मैनेजमेंट टीम ही मुझे बाहर से ही भगा देगी, क्या बोलेगी ये. बट अमेज़न मनी वांटेड हिम टू यू नो डू इट. तो मैंने से डर के से शायद नहीं करेगा क्या तू, ऐसा टाइप का बोला था. ही न्यू द स्क्रिप्ट, ही न्यू द स्क्रिप्ट, इसको पता था स्क्रिप्ट एज अ फ्रेंड. ही न्यू व्हाट आई वाज डेवलपिंग. तो बट ही वाज वेरी स्पॉटी टू टेक इट अप, बिकॉज़ उसको लगा कि अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा कैरेक्टर, तो व्हाई नॉट. ये गई कैसे आई? ये मुझे यही चाहिए थी. जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी आई वाज वेरी श्योर कि श्रुति मुझे चाहिए एज नेत्रा. Somehow, मैंने इसको देखा था इंस्टाग्राम पे और इसका बेस्ट फ्रेंड मोहित वॉज वर्किंग विद मी ऑन वन ऑफ माई डेली सोप्स. तो मैंने उसके भी इसमें देखा था एंड देयर इज समथिंग वेरी ऑफ बीट अबाउट हर, वेरी रॉ एंड वेरी अजीब अजीब कुछ. तो ऐसे ये अजीबनेस बहुत वर्क करने वाली है. सो आई रियली वॉन्टेड फॉर दिस यू नो. बहुत सारे लोग जो एक्चुअली अभी भी आई थिंक अंधेरी के बरिस्ता में जाके बैठते कि कोई हमें स्पॉट कर ले. तो क्या ये एक्चुअली में होता है? यस लो जी वहाँ की सेल आज ही बढ़ जाएगी. हम लोग तो देख सुकृति खंडपाल एंड ऑल लोग एक्चुअली पिक्ड अप फ्रॉम कैफेज. रियली? यस ही वाज पिक्ड अप फ्रॉम अ डांस फेस्ट. या कौन से डांस फेस्ट में आपको पिक किया था? अब वो फेस्ट होना बंद हो गया. इंडिया फेस्ट, इंडिया चैनल भी इंडिया फेस्ट वहाँ के ऑडिशंस में. My goodness, तो पर हमने सुना है कि बचपन में तुम डांसिंग से भाग रहे थे. 9-10th क्लास में तुम एक्चुअली डांस नहीं करना चाहते थे. क्यों? एक पॉइंट था कि मतलब वो होता है ना कि ये डांसर है इसको डांसर के हर जगह पे जाओ तो बर्थडे डांस करो कुछ भी है मम्मी पापा बोलते ना इट वॉज वेरी इरिटेटिंग. सो एंड आई फेल्ट लाइक मेरे में और पोटेंशियल है एक्सप्लोर करने. तो मुझे सिर्फ डांसर का टैग लगा के छोड़ दिया मेरे पे. तो आई जस्ट गॉट इरिटेटेड एंड आई वांटेड टू यू नो स्टॉप डांसिंग. तो एक्चुअली लेजिट 2 के लिए मैं ऐसा था कि डांस नहीं करना है. और आई हैव टू स्टडी, हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी. मतलब एक्सक्यूज था वाला, ऐसा कुछ अच्छा नहीं था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है. अच्छा ही बच्चा, वेरी गुड बॉय स्टडीज के. हां स्टडी में भी मतलब अबव एवरेज ही बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट कि डांस से मैं दूर भाग रहा था. मेरे को ऐसा था कि मेरे को नहीं करना है. आई डोंट वांट जस्ट डांसर का टैग एंड आइडेंटिटी जस्ट बीइंग दैट. बट ये तो डांस करते ही निकली थी बाहर. ये तो 14 साल तुमने कथक सीखा है.
और क्या क्या सीखा तुमने? कथक सीखा है, बैले 8 साल, जैज 8 साल, कंटेम्प्रेरी 8 साल, पोल डांस अभी 3 साल हो गया। अब इसकी उम्र बताओ कितनी? बस नागिन डांस रह गया। वो करके आई थी ना, वो करते भी नहीं थी, वो बस सीख लेते हमारी जगह में। नागिन डांस, गणपति डांस, छपनी डांस, ये सारे डांस में हमारी महारत है। बट एक्चुअली मैं लाइक कब आपको रियलाइज हुआ दैट यू कैन एक्चुअली लाइक डू डांसिंग सो वेल? बिकॉज जब बच्चे होते हैं तो पता नहीं होता कि क्या पोटेंशियल है, क्या नहीं पोटेंशियल है। योर पेरेंट्स रिकॉग्नाइज और यू रिकॉग्नाइज कि ओह मैं तो अच्छा नाच लेती हूँ? ओह वाओ, दैट मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। बट आई थिंक मैं जब कथक जाती थी ना तो मैं कथक सब जाते थे। कौन सा बच्चा है जो बचपन में इनके माँ बाप ने उन्हें समर वीकेंड में कथक नहीं भेजा है कि जाओ? मेरे माँ बाप ने, आई कांट डांस सेव माय लाइफ। मैं मेरे को डांस करते देखता हूँ, मैं हंस पड़ता हूँ यार, सही बता रहा हूँ। यू मेक फनी कॉन्टेंट। हाँ तो फिर तो इसलिए मुझे फनी होना पड़ता है। कथक में पैर में ना छाले आ जाते हैं अगर आप सही तरीके से करो। तो मैंने इनिशियली ज्वाइन किया था और मुझे मेरे एडी पे ऐसे दो बड़े बड़े पस वाले छाले हो गए थे। एंड आई वाज लाइक कि ये तो बहुत पेनफुल है, मुझे नहीं करना। और मेरी मॉम मेरे को पेन में देखी है, लाइक नहीं करना है, वेंट बैक होम एंड मॉम लाइक छोड़ देते हैं। तो मेरे डैड ने बोला कि अरे कुछ स्टार्ट किया तो छोड़ना क्यों है, क्यों छोड़ना है, करो कंटिन्यू, क्या है ये पेन? तो मैं बोला ठीक है, अभी बोल रहे हैं पापा तो सुन लेती हूँ। क्लास गई एंड आई मेट माई गुरु। एंड मेरी मॉम ने बोला कि इसने तो दिन छुट्टी ली इसलिए क्योंकि छाला वाला हो गया था। तो मेरी गुरु ने बोला कि ये अच्छे डांसर की निशानी होती है कथक में, अगर किसी के पैर में छाले आते हैं तो आपकी बेटी स्टार है, मेरी स्टार डांसर है। तो तब मुझे लगा कि तो वो स्टोरी लग रही है। तो कभी भी कोई टीचर आपको ऐसा बोले समझ लो कि उनका फ्लोर जो है वहां कुछ गड़बड़ है। बट आपके कहाँ छाले पड़े थे जो आपको पता चला कि आप एक क्रिएटिव हेड और ये सब बन जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे? दिमाग में, दिमाग में छाले पड़े हैं। और क्या नहीं, बट मतलब देखो हम सबको लगता है बचपन में हम अच्छा डांस करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अच्छा डांस करती हूँ। एंड मुझे कभी नहीं, मैं सही बता, ये अच्छे डांसर है, ये अच्छे डांसर। हम डांस कर रहे हैं, हम मैरिजिंग डांस नहीं करते, ये डांसर है। नहीं करेक्ट। तो हमारे टाइम पे इतना ये नहीं था जहाँ पे यू नो कि डांस क्लासेस और ये वो अनएक्सपेंसिव हुआ करता था। तो पेरेंट्स वाले यू क्रेजी, करियर तो है नहीं इसमें, तो तुमको बनाना नहीं है। पर जब हम लोग मतलब बन गई, मैं दिल मिल गया, ठीक ठाक हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है। देन आई थॉट दैट हम डांस पे एक शो बना सकते हैं, बिकॉज आई फील कि मुझे तो डांस आता है, बट यू नो पीपल कैन ऑल्सो टेक इट एज अ करियर, सो माइट एज वेल कोशिश कर लेती हूँ। चल गया तो चल गया। क्या चला? अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि सीजन 2 आ गया है, तो क्या सीजन 3 ऑलरेडी शॉट है या करना है या उसकी कुछ बात है? मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे ये बोल सकती हूँ मैं। नहीं बोल सकते हैं, सीजन 3 आएगा, फैंस पूछ रहे हैं। आएगा सीजन 3 तो आएगा, ओके कब आएगा ये नहीं बता सकती हूँ। ओके आएगा बाबा, आएगा एक महीने में आ जाएगा। बट एक शो में डांस जब इंटीग्रेट होता है, क्या उसके प्रोज या कॉन्स होते हैं? मतलब हाउ डू यू लाइक डायरेक्ट इट और हाउ डू यू मेक इट? इज इट डिफिकल्ट और इज इट इजियर? इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। डांस शोज, मेकिंग डांस शोज एंड मेकिंग नॉर्मल फिक्शन शो बहुत अलग सीन ही अलग है। हाँ मतलब बहुत आसान है लोगों को बोलना, खासकर की रियलिटी से मुझे बहुत बेवकूफ लोग मिले हैं जहाँ पे बोलते हैं अरे तो आप तो कट पे करते हो डांस, वही तो डिफिकल्ट है कि कट पे डांस करना मतलब आपकी एनर्जी गिर जाती है, आपका मूवमेंट गिर जाता है, आपके शॉट्स, आपने तो ब्यूटीफुल शॉट लगा दिया पर वो डांसर कितना डिलीवर कर पाएगा? क्योंकि वो एक टेक में अपना फुल आउट दे देता है, उसके बाद पर हमको 4 शॉट्स एक्स्ट्रा चाहिए इधर से उधर से, तो उसमें कैसे एनर्जी देगा? मतलब हम लोग बोलते हैं टीवी फिल्में, हम लोग ऐसे बोलते हैं बेकार शो ये। वंस यू गो ऑन अ सेट की एक ही चीज 4 बार, एक बार इधर से, एक बार उधर से, इनका यार बोर नहीं हो जाते एक ही डायलॉग बोल बोल के, एक ही डांस कर करके। सो बिहाइंड द सीन जो लोग नहीं जानते शोज के पीछे क्या चलता है, एक डेली शो के बीच में उनको थोड़ा सा ग्लिम्स दीजिए कि शूट कैसे होता है, कितने देर की शिफ्ट होती है, कितना हार्डवर्किंग जॉब है ये। सी अगेन, फिक्शन शोज अलग है, हार्डवर्किंग हर चीज है, पर डांस फिक्शन शोज एक अलग ही लीग है। मतलब आपको टचवुड, आजकल हमारे 3 कैमरा सेटअप्स हो गए हैं तो फिर थोड़ा इजी हो गया है, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर अ डांस शो विद एन एंसेंबल कास्ट। 10 लोग हैं, 10 लोगों के रिएक्शंस हैं,
कैरेक्टर्स है और सारे डांसर्स हैं उनको हमने एक्टर बनाया है तो वो लोग भूल जाते हैं कि इनको टशन रखना है यार वो चेयर करना शुरू कर देते हैं सो इट्स वेरी डिफिकल्ट हुआ है उसको उसको गुस्सा दिखाना है उसे अरे क्या कर रहा है क्या कर रहा है तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो अच्छा कर रहा है ना मैं तो ये एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमारी खत्म हो जाती है शिफ्ट के बाद हमारी रिहर्सल्स होती है तो इनको खींचना होता है रिहर्सल्स नहीं बट वो फटीग नहीं आना चाहिए वो अगर आ गया तो मतलब आप पैशनेट नहीं हो शो के बारे में वो फटीग नहीं आना चाहिए क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं सो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लोग रिहर्सल्स कर रहे हैं हम सब रहते हैं लाइक ऑल ऑफ अस आर देयर द कोरियोग्राफर्स आर पुशिंग देमसेल्व्स एंड एवरीथिंग तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है फिर सुबह 8 बजे आना टेक्निकली यू आर वर्किंग फॉर 15-16 आवर्स अ डे मोर और मतलब फिजिकली एग्जॉस्टेड हो सोने को भी कम मिल रहा है उसके ऊपर से इंजरीज भी जब हुई है सबको आई सॉ लाइक आपको तो पैर में चोट भी लगी थी ये तो बाद में लगी इन सबको ऑन लगी है ये इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है हाइपर फ्लेक्सिबल है मतलब ये लोगों का हाथ ऐसे होता है इसका ये नीचे टच हो जाता है तो हाइपर फ्लेक्सिबल लोगों को जेनरली चोट थोड़ी सी ज्यादा लगती है मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग मुझे मिले जो बता रहे हैं कि ये शो उन्होंने जब पहली बार देखा उसके बाद वो जानबूझ के आके डांस सीक्वेंसेस देख रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतनी अमेजिंग डांस सीक्वेंसेस हैं श्रुति और तुम दोनों की कि वो बार बार बिंज वॉच शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उनको डांस परफॉर्मेंसेस देखनी है सो गाइस हैव डन अ रियली कमेंडेबल जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सीजन 3 कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं आप सुनने वालों को रेडियो सिटी सुनने वालों को कैंपस बीच के लिए फर्स्टली तो थैंक यू वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन अस आवर डीएम्स आर फ्लडेड मैं सामने विटनेस कर रही हूँ लोग आके मुझे गाना गा रहे हैं हमारे सामने ख्वाब मेरे सामने मुझे आके बोल रहा है मुझे आपने बदीर गाली दी है उसको मुझे भी दो तो मैंने ईशान को नेत्रा ने गाली दी है बदीर बोला है तो किसने मुझे बोला है प्लीज प्लीज आप मुझे बदीर बोलो ना सो दीज थिंग्स आर वेरी मतलब देर वेरी ओवरवेलमिंग सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज जाके कैंपस बीट्स का सीजन 1 और 2 दोनों देखो Amazon Mini TV पे बिल्कुल फ्री आपको कुछ खर्चा नहीं करना है मेरे खरीद लिया लैपटॉप ऐड देख देख के खर्चा हो गया हमारा आपके कैंपस वीक की वजह से स्किन क्रीम की भी तो ऐड आती है आपको वो नहीं आई सो या थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू गाइस हैव बीन पोरिंग टू अस एंड द शो इज डूइंग वेल एंड यस कीप स्प्रेडिंग द Love and yeah, please, आप, अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को भी दिखाइए बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि अच्छा शो आगे बढ़े लोगों तक पहुंचे एंड that's what I would say. पॉइंट इज दैट आई हैव टेकन 10 साल टू ब्रिंग अ शो लाइक दिस यू नो सो इट आ गया बहुत बड़ी बात है बट इतना प्यार एक्सपेक्टेशन मैं नहीं बोलूंगी 100% थी बट बहुत अच्छा लग रहा है विद सो मच लव एंड देयर इज वन कमेंट आई वुड वांट शांतनु टू टॉक अबाउट बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में 26 इयर्स आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री बट आई हैव नेवर ये जो कमेंट आया है मेरे को कभी ऐसा कमेंट नहीं मिला डीएम आया है शांतनु को एंड आई वुड वांट हिम टू रीड इट इट्स फ्रॉम रिया अरोरा मकर Your web series is too awesome. Both the seasons are so amazing. Me and my husband watched it together in our pregnancy. Even our baby in the womb enjoyed it a lot. Aww, I spent so many kicks at that time. Good work done. Keep shining. So that's a really good experience. Yeah. Yeah. देखो वो भी डांसर ही बनेगा थोड़ा सा भाई मैं बता रही हूँ बट ये क्या स्टोरी है कि जब इनका किसिंग सीन था तब आप सेट पे नहीं आए थे ये क्या स्टोरी ओह माय गॉड ऐसा नहीं है मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये ऑकवर्ड हो जाता है तो मुझे बिकॉज हमारे सामने बच्चा बड़ा हुआ है सो उसको ऐसा लगता है कि क्या ही मतलब एंड आई न्यू ही वॉज गोइंग टू बी कॉन्शियस तो मैंने बोला कि नहीं मैं सेट पर नहीं आती हूँ देख लो इसका बड़े बार माई डायरेक्टर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये कर पाएगा बहुत प्रैक्टिस किए लड़के ने ऐसा कुछ नहीं है 3 बार हमने शूट किया उसको देख 2 बार शूट किया मतलब प्रैक्टिस नहीं हो रही है शांतनु 16-16 घंटे सेट पे काम करा रहे हो कैसे करेगा कोई महीने करा रहे पूरे इतने सारे जाओ प्रैक्टिस कर लो तभी यार शांतनु प्रैक्टिस कर लोखंड वाला बैकग्राउंड में भी निकलो और क्या नहीं अभी लोखंड वाला बैकग्राउंड इज क्लीनर मलाड बैकग्राउंड गुड जय हो
ठीक है ठीक है, पर हो गया ना, सही कर लिया मैंने दो बार शूट करके से स्टिच किया हमने और वो ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके फाइन, बट वाज इट वर यू कॉन्शियस और ऐसे, मतलब आई वांट टू नो बिकॉज़ आप लोग अगर फ्रेंड्स हो, हम भी फ्रेंड्स हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती आप फ्रेंड्स हो एंड देन यू हैव टू डू अ सीन लाइक दैट, तो डिड यू डिस्कस पहले क्या था? No, we were really awkward. We were extremely awkward. Honest. मेरे अंदर ये प्रेशर था कि मुझे ये नहीं सुनना वो बैंड के सर। Oh, hey भगवान। Okay. What is the verdict? What? मुझे चले बड़े। Correct. Because moving on. Because मेरे गुरुजी ने कहा है कि अगर मैं चला रहे हैं इसका मतलब स्टार के सर होगी। Hey guys, मैं हूँ शांतनु महेश्वरी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 FM. Hi, this is Shruti Sinha और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो सिटी 91.1 FM पर सिटी की नई वाइब। Follow Radio City India and follow Radio City Mumbai.